मैं रीट 2016 का प्रताड़ित छात्र हूँ। ये भर्ती काफ़ी लंबे समय से वंचित है और वंचित अभ्यर्थी आज पात्र अभ्यर्थी आज भी घूम रहे हैं। इसमें जो रिजल्ट निकालते समय पात्र और अपात्र अभ्यर्थी को शामिल कर लिया गया, जिससे पात्र अभ्यर्थी अभी भी चयन से वंचित हो गए। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि रीट 2016 जो कि साइंस मैथ में 50% से ज़्यादा पद आज भी रिक्त पड़े हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। तंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के द्वारा सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने रिट 2016 तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए ट्वीट जारी करके सुप्रीम कोर्ट से SLB वापस ली थी इस भर्ती को पूरा कराने के लिए, लेकिन आज भी राजस्थान अधिकार नियम के अनुसार इसमें 494 पद यानी 50% से ज़्यादा पद आज भी खाली हैं। और निदेशालय की एक छोटी सी गलती, पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की एक साथ लिस्ट जारी की गई, उसी को चयन सूची नाम दिया गया, उसके कारण पात्र अभ्यर्थी आज भी 494 विद्यार्थी जो है अभ्यर्थी हम लोग दर दर की ठोकरे 7 साल से खा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपने ट्वीट किया था इस भर्ती को पूरा करने के लिए, आप निर्देश जारी करें, सचिवालय से हमारी फाइल निकलवाएँ और हमें 494 परिवारों को न्याय दें। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर मेरी कलम से कुछ हो सकता है तो मैं मेरी कलम चलाऊंगा। मुख्यमंत्री जी आप कलम चला चुके हैं, बस यह है कि आप निर्देश दे दें अधिकारियों को, सचिवालय को, कि हमारी भर्ती पूरी की जाए, हम पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भी सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि निदेशालय की एक छोटी सी गलती की वजह से पात्र अपात्र दोनों का चयन होने से पात्र अभ्यर्थी बाहर हो गए, तो सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसकी दूसरी सूची जारी करके हम पात्रों को न्याय दें।